इवेंट के बारे में बताइए। देखिए, ये आज जो इवेंट हो रहा है वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर और पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज़ के ऊपर, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और हम उसको फ़रोग देना चाहते हैं कि इससे पब्लिक हेल्थ रिसर्च और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इंटरफेस के साथ हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो रिसर्च के मॉड्यूल्स हैं उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से। देखिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं हेड करता हूँ आजकल। मैं उसका डायरेक्टर जनरल हूँ, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और जैसे हमारी ये रिसर्च काउंसिल है, इस तरह की दूसरी साइंसेज में भी, आयुष साइंसेज में है रिसर्च काउंसिल्स, आयुर्वेदा में है, सिद्धा में है, होम्योपैथी में है, योगा में है, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष उनको उसको गवर्न करती है, उनको फंड करती है, उनकी देख रेख करती है। तो जो हमारी काउंसिल है उसके ज़िम्न में तकरीबन 27 देश भर में हमारे बहुत सारे ऐसे कैंपसेस हैं, जो कश्मीर में जैसे आपके यहाँ एक रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन है, ऐसे ही केरला में है और एज ईस्ट एज आसाम सिलचर में हमारे पास है और तकरीबन ज़्यादातर स्टेट्स में हमारे पास हैं। तो जो एक्टिविटी यहाँ पर है, इस तरह की एक्टिविटीज़ और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ होती रहती है। अभी रिसेंटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर हमने लखनऊ में लास्ट मंथ इसी तरह का एक फंक्शन किया था, और ऐसे फंक्शंस हमारे एक मामूल है ताकि लोगों को उसकी आगाही होती रहे और लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं या आयुष के क्या फ़ायदे हैं।